कि मुझे रोक दिया गया 3 साल के लिए, 3 साल आप कहीं गाना नहीं गा सकते, किसी कंपनी में नहीं गा सकते, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन मैं खत्म हो पाऊंगा, शायद कि आप मेरे हिसाब से काम करिए। तो मैं किसी का गुलाम हूं नहीं, मैं आजाद इंसान हूं, मैं अपने मन का, मैं नरक का राजा हूं, स्वर्ग का नौकर नहीं। मेरी क्षमता मुझे पता है, मेरी औकात मुझे पता है कि मैं जमीन से यहां तक पहुंचा हूं और एक मैं किसान का बेटा हूं। नहीं तो एक लीटी बेचने वाली की औकात क्या हो सकती है, एक दूध बेचने वाली की औकात क्या हो सकती है, जो आदमी 10-10 घर में नौकर होगा उसकी औकात क्या हो सकती है। बड़े पहाड़ पे चढ़ना होता है ना तो बड़े पत्थर आपको प्रॉब्लम नहीं करते, छोटे छोटे कंकड़ आपको प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो चुभते हैं आपके पैरों में। आज नहीं तो कल, इतना 14 ही बरस का वनवास हुआ था ना, लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला के लौटे। सारी चीजें नहीं, कुछ भाई न्यूज बना रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया मुझे मिला है। भाई सॉरी, 5 करोड़ की बात ही नहीं है और 5 करोड़ मुझे मिला ही नहीं है। जितने पेमेंट मुझे मिले थे उतने का मैंने गाना दे दिया था। हाँ, बात यहां बिगड़ी कि आप मेरे हिसाब से काम करिए। तो मैं किसी का गुलाम हूं नहीं, मैं आजाद इंसान हूं, मैं अपने मन का, मैं नरक का राजा हूं, स्वर्ग का नौकर नहीं। मैं ऐसा हूं, मैं छोटा मालिक बन के जीवन चलाना चाहता हूं, बड़ा नौकर बन के नहीं। और आप सबने ये ताकत दी है मुझे, आप सबके बदौलत ये ताकत मुझे मिली है। नहीं तो एक लीटी बेचने वाली की औकात क्या हो सकती है, एक दूध बेचने वाली की औकात क्या हो सकती है, जो आदमी 10-10 घर में नौकर होगा उसकी औकात क्या हो सकती है। मेरी क्षमता मुझे पता है, मेरी औकात मुझे पता है कि मैं जमीन से यहां तक पहुंचा हूं और एक मैं किसान का बेटा हूं। आज भी दिमाग में स्टार्डम नहीं है, आज भी मेहनत करता हूं, 24 घंटे जगता हूं। इस फैसले के बाद मैं पूरी रात सोया नहीं, वो जाहिर सी बात है। ये स्टार्डम चाहे जो भी मुझे मिला है, मेरी जिंदगी में जितनी भी उपलब्धियां मिली है, आप सबके बदौलत मिली है, और अचानक से किसी फैसले से ऐसा हो गया कि नहीं, मेरी पूरी जीवन रुक गई। तो पल भर के लिए मुझे लगा जी नहीं गलत हो गया। सोचिए कि उस राम का क्या होता होगा जिस राम को गद्दी मिलनी थी और अचानक से उसको वनवास हो गया। तो धैर्य, धैर्य बहुत बड़ा चीज होता है जिंदगी में, कि धैर्य अगर आपके पास है तो जिंदगी में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और जिसके पास इतनी जनता हो, जिसके पास इतना प्यार हो, जिसके पास इतने सारे हाथ देने, आशीर्वाद देने वाले हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, हैं? मैं हताश नहीं हूं इस चीजों से। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, मेरी जिंदगी किसी एक की नहीं है जिसे कोई खत्म कर देगा। कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूं, बट उसके आगे भी तो चीज है, ऐसा थोड़ी है कि उसके आगे चीज नहीं है। ये जिंदगी यहां तक खत्म थोड़ी होती है, और जिंदगी आप सबके बदौलत है मेरी। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन मैं खत्म हो पाऊंगा, शायद किसी एक के खत्म करने से ये जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बनाया है, आपने मुझे हर उस मोड़ पे साथ दिया है मेरा। बट ठीक है, मैं मेहनती आदमी हूं, मैं मेहनत करना जानता हूं, मैंने किसी को, और ईश्वर है, महादेव सबका उद्धार करता है। अगर मैं गलत होऊंगा तो कल भी जो मेरे साथ होगा वो गलत होगा। अभी फैसला बहुत दूर तक है, अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, इसके बाद भी न्यायालय है, इसके बाद भी चीजें हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, गरीबी से उठकर आए हैं, तो गरीबी से आज आप लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा दिया ना खेसारी लाल यादव का। और ये साम्राज्य मेरा नहीं है, ये आप सबका है, आपने मुझे संवारा है, और आपको भी पता है कि आपने मुझे कहां से उठाकर कहां रखा है। तो जिंदगी इतनी जल्दी खत्म थोड़ी होती है, और जिंदगी और मौत का कोई, जिंदगी आज मिली है तो कल मौत तो होना है, तो इससे भागना क्यों और इसे डरना क्यों। मैं नहीं डरता अब, क्योंकि मेरे पास इतने आशीर्वाद देने वाले हाथ हैं कि मुझे लगता है कि मेरे मां बाप आज अरबों में हैं। मेरे मां बाप सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ मंगरू यादव और मधुद्रा देवी ही नहीं है, मेरे मां बाप बिहार की वो सारी जनता है, यूपी की वो सारी जनता है, हिंदुस्तान में जहां जहां लोग मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सब लोग मेरे मां बाप की तरह है जिन्होंने मुझे संवारा है। और ठीक है, मेहनती आदमी, सच्चे आदमी को कष्ट होती है, नहीं तो राम को वनवास नहीं होता। वो सच्चे थे, राम बन गए तो बन गए, अगर वो जंगल नहीं गए होते ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते। तो जिंदगी में जब आपको कष्ट होना तो समझिए कि एक नई उड़ान भरने वाले हैं आप, उससे हताश मत होइए। और मैं हताश नहीं हूं इस बात से कि मुझे रोक दिया गया 3 साल के लिए, 3 साल आप कहीं गाना नहीं गा सकते, किसी कंपनी में नहीं गा सकते, वो तो बाद की चीज है, वो तो आज का फैसला है, कल कुछ अलग होगा। और मैं आपका भाई हूं, कोशिश हमेशा करूंगा अपने फिल्मों द्वारा, अपने गाने द्वारा आप सबका मनोरंजन कराते रहूं, हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जिस तरह अभी तक मिला है मुझे, मैं हमेशा आपके साथ कोशिश करूंगा कि आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा बेटा बनके आजीवन आपका सम्मान करते हुए, अपने संगीत का सम्मान करते हुए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को मैंने चलाया है। और मुझे दुख इस बात का कभी नहीं होगा कि मेरा कुछ बर्बाद हुआ। बर्बाद अगर खेसारी होता है तो भोजपुरी समाज होती है,
जो भी भाई अगर गलत न्यूज भी बना रहे हैं तो शायद उनको ये लगता होगा कि हम खेसारी को नीचा दिखा रहे हैं और खेसारी को गलत अगर कोई भी किसी भी भोजपुरी के कलाकार को अगर कोई हताश होती है चीची होती है तो नो डाउट प्रॉब्लम भोजपुरी समाज को होता है पूरे समाज को होता है। तो बस आप एकदम हैप्पी रहिए बी पॉजिटिव जिंदगी में पॉजिटिव रहिए आप लोग खुश रहिए। आज नहीं तो कल इतना 14 ही बरस का वनवास हुआ था ना लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला के लौटे वो नहीं तो वो अयोध्या में सिर्फ राम थे दशरथ के पुत्र थे बट लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो जिंदगी में जब वनवास से लौटती होती है ना तो वो आपका कद ऊंचा करके लौटाता है। तो जिंदगी है रास्ता है चलना है और रास्ते चलने में कांटे भी आते हैं किसी फूल को तलाशना होता है ना तो कांटों का सफर करना पड़ता है और वही ये छोटी छोटी कांटे होती हैं। बड़े पहाड़ पे चढ़ना होता है ना तो बड़े पत्थर आपको प्रॉब्लम नहीं करते छोटे छोटे कंकड़ आपको प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि वो चुभते हैं आपके पैरों में। बड़े पत्थर पे तो पैर रख सकते हैं आप लेकिन छोटी पत्थर जो रहती है ना वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। तो जिस भाई ने ये ऐसा स्टेप मेरे लिए उठाया है वो भी सम्मानित है मैं उनका भी सम्मान करता हूं कि वो खुश रहें। अगर इस फैसले से उनको खुशी मिलती है उनको बहुत बड़ा दौलत मिलता है तो ईश्वर क्या किसी को हक नहीं है कि अपने जीवन में बड़ा बन जाए। बस अपना ख्याल रखिए और मैं ठीक हूं मुझे कुछ नहीं है प्रॉब्लम मैं भी हैप्पी मैं कोई तकलीफ में नहीं हूं आप सबका प्यारा भाई हूं कोशिश करूंगा मेहनत करूंगा आज नहीं तो कल चीजें अच्छी हो जाएगी। लव यू ऑल।